तुमने उस छत्रपति को बुलाया खालिद, उसे मौका देना तो बनता है, वो भी रख ले दुनिया के सामने अपना पक्ष। क्यों पूछ रहे हो या बता रहे? फिलहाल तो मेरी औकात सिर्फ राय देने की है। इतने हम्बल मत बनो, तुम्हारी रेपुटेशन को असर करने लगेगा। ठीक है कबीर सर, क्या कर रहे हैं? क्या पता यार, मौका आए मिलने। हाय, वो कबीर सर। हेलो ऋचा जी, कैसे हैं आप? इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? नहीं प्राज जी, इतने दिन हो गए, कहाँ थे आप? राखी लेने गया था, बनवानी जो थी आपसे। नहीं नहीं, आप इतनी इनसिक्योर क्यों हो जाती है जब मैं आपको हाय कहता हूँ? व्हाट्स दिस? ये भास्कर जी की कुछ चीजें हैं, उनके घर भेजनी है। घर पे मतलब भास्कर जी गए? कॉर्पोरेट न्यूज की दुनिया में आपका स्वागत है अनन्या, जहाँ कब कौन और कहाँ भेज दिया जाता है ये उसे आखिरी वक्त तक नहीं पता होता। कॉर्पोरेट दुनिया का मूल मंत्र है, आपकी इनसिक्योरिटी में ही हमारी सिक्योरिटी। वाव मानो, बड़ी अच्छी बात कही आपने। Hey, don't you think हमें भास्कर जी को सेंड ऑफ पार्टी देनी चाहिए? I agree. हाँ, even I agree. इसी बहाने से हमें पार्टी करने का बहाना भी मिल जाएगा। Yeah. Sir, वो कबीर शर्मा यहाँ क्या कर रहे हैं? What? ऑफिस में है ना? अच्छा, पता नहीं। I don't know. नहीं? खालिद बता रहा था कुछ फुटेज है चतुर्वेदी के कांड पर। तुम्हें ब्लैक कॉफी पसंद है राइट? या बट लेटर श्योर? हाँ फुटेज है। कैन आई सी इट? Of course, why not? मैम, मानव सर अपने कैबिन में आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैंने उनका मैसेज पढ़ लिया है, उनसे कहिए मैं उनसे बाद में बात करूंगी। जी। So, where were we? Footage. Right. आप लोगों को नहीं लगता कि ऑफिस में गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है? It's too hot, yeah. हाँ, hot तो वो है ही, साथ में ओदा भी है। हाँ। अब कुछ ही दिनों में यहाँ पे ना लू चलने लगी। बट ये तो हॉटनेस का भंडार है यार। ओए, ये चतुर्वेदी यहाँ क्या कर रहा है? भाई जी प्रणाम। अरे क्या प्रणाम, क्या प्रणाम लगा रखा है? हाँ कैसे आना? कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा कैसे? अरे यहाँ हम अपनी सफाई देने आए हैं, और कैसे? चलिए मेकअप रूम में जाओ। चलिए चलिए। अच्छा ये बता कि सवाल अवाल बना रखे हैं या वो भी हम ही दें? देखो हम वही बोलेंगे जो हमको बोलना है। अब ये सवाल भी तू? सवाल कैसे भाई जी? ओ तो तू इंटरव्यू नहीं करेगा है? उसको बुलाना जो इंटरव्यू करेगा। क्या नाम है उसका? वो भास्कर, वो मानव, यही है ना? बुला उसे। हम भी तो हैं मंत्री जी। ओ खालिद, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं कोई तकलीफ कुछ नहीं। लो खालिद, ये कुछ सवाल है जो पूछने, और इसमें जवाब भी है। थोड़ा सुस्ता लीजिए मंत्री जी, आराम कर लीजिए। चाय कॉफी नहीं पूछे? कुछ नहीं, कोई चाय कॉफी नहीं, कुछ आराम नहीं। अरे ये कबीर के बच्चे ने परेशान करके रखा है। अरे इतना प्रेशर बना दिया है कि सुबह से पेचिश हो गई। क्या करूं इसका? अरे ये
बार हाथ लग गया ना उसकी वो हालत करूंगा, पेपर बंद करवा दूंगा मैं उसका। मंत्री जी, तभी तो हमने आपको यहां इनवाइट किया ताकि आपकी बात जनता तक जल्द से जल्द सही तरीके से पहुंचाई जाए। चिंता क्यों कर रहे हैं? मेकअप वाले को बुलाएं। अरे दहेज की हम बिल्कुल विरोधी हैं, हमें दहेज में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनन अपराध है। एक्सीलेंट, अब पूरी फुटेज रिवाइंड करो बिगनिंग से और ध्यान से सुनो। इस पूरी फुटेज के तीन लूप बनाओ, लेकर पहला लूप ये वाला पोर्शन रहेगा। बस बस ले अगेन। दूसरा लूप यहां से यहां बस, और तीसरा लूप लेकर ये एंड वाला पोर्शन रहेगा। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे इसे प्ले करते रहना। ओके, ब्रिलियंट आइडिया, परफेक्ट। इतना टाइम मिलेगा कि हम इसे तीन लूप में प्ले कर सके? अरे विंडो बनाकर रखना, साथ साथ प्ले करते रहेंगे। डू इट। राइट गाइस, आई विल गेट रेडी, इट्स शो टाइम। बैठ जाइए। उन्हीं ने मुझे भेजा है आपका खास इंटरव्यू लेने का। अरे कहाँ जा रहे हैं? 5 सेकंड में हम सारे देश के सामने लाइव होंगे। बैठा रही। ओके कबीर, वी आर ऑन इन 5, 4, 3, 2, 1। नमस्कार, केकेएन की खास पेशकश में मैं कबीर शर्मा। आज सुबह से जिस खबर ने पूरे देश में और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई हुई है वह है पूर्व राज्य मंत्री पन्नालाल चतुर्वेदी की अवैध शादी। जिस समाज में हम रहते हैं वहां शादी और ब्याह के कुछ कानून हैं और उनका उल्लंघन कानूनन अपराध है। तो क्या ऐसे में समाज सेवा को समर्पित जनता की नुमाइंदगी करने वाले, जनता का वोट हासिल करके संसद में बैठने वाले, खुद को सच्चा हिंदुस्तानी कहने वाले क्या खुद हिंदुस्तान के कानून से परे हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं जनता के सामने अपना पक्ष रखने के लिए और जनता को जवाब देने के लिए खुद श्री पन्नालाल चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। मैं कोई सफाई नहीं दे रही हूं, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मालविका, तुम तो मेरे साथ हो ना? तुम मेरा नाम एडिटर इन चीफ की कुर्सी के लिए रखने वाली थी और तुम अच्छे से जानती हो कि इस पोजीशन का सही हकदार मैं हूं। यहाँ और ये आप स्पेशल टेलीकास्ट कैसे कर रहे हैं हमारे चैनल पे? केकेएन और मानव एक है और हमारे व्यूअर्स मुझे और इस चैनल को एक दूसरे को नाम से जानते। मेरी भी फैन फॉलोइंग है यार, कम ऑन। मैं क्या इनकार कर रही हूँ? नहीं, तुम इनकार नहीं कर रही हो। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि ये कबीर शर्मा के लिए जो तुम्हारा स्कूल गर्ल क्रश था ना, वो शायद अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इनफ मानो, ये खालिद का डिसीजन था और तुम भी अच्छे से जानते हो कि खालिद के डिसीजन के आगे पापा किसी की नहीं सुनेंगे। और रही बात फॉलोइंग की, तो कबीर शर्मा की फॉलोइंग हम सब की फॉलोइंग को मिलाकर उससे भी ज्यादा है। लेकिन चैनल को लोग उतना नहीं जानते जितना कबीर के नाम। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए अफेयर कर रहे हो ताकि तुम्हें यहाँ एडिटर इन चीफ की कुर्सी मिल जाए?
देखो मानो, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखती हूँ, शायद हमें इस रिलेशनशिप को अलग रखना चाहिए फिलहाल। आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम ईच अदर। कबीर पे मेरा स्कूल गर्ल क्रश कभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए चतुर्वेदी जी, पर्सनल तो मैं भी नहीं हो रहा हूं, हम जर्नलिस्ट भी जनता को ही जवाबदार होते हैं, उनके सामने सच रखना हमारा कर्तव्य है। क्यों आप राय का पहाड़ बना रहे? बात तो छोटी सी है। वहां मैं एक बच्ची का विवाह करा रहा था, एक भले नेक लड़की के साथ, और वो बच्ची मेरी माली की बेटी थी। पंडित जी ने कहा कि यीशु मूर्ख है, है? अब बताइए इसमें मैं कहां से आ गया? अगर कोई साइड से फोटो ले ले और इल्जाम मुझ पर लगा ले तो क्या ये सही होगा? नहीं, आप लोग मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जैसे अगर मैं आपको एक फटा हुआ नोट दिखा रहा हूं और साइड से कोई फोटो ले ले तो देखने वाले को क्या लगेगा कि मैं आपको नोट दे रहा हूं, जबकि बात ये सच नहीं है। बात सच ये है कि मैं आपको एक फटा हुआ नोट दिखा रहा हूं। बिल्कुल वैसा ही हुआ वहां पर भी। उस वक्त मैं एक बच्ची की शादी करवा रहा था एक अच्छे लड़के के साथ, साइड से किसी ने फोटो ले लिया और अब मुझे दिखा दिया, ये देखो, ये आप लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बताइए, आप जवाब दीजिए। तो माननीय पूर्व राज्य मंत्री जी एक पुण्य का काम कर रहे थे और एक नकली फोटो के आधार पर सच्चाई क्या है यह बताई नहीं जा सकती, तो क्यों ना माननीय पूर्व राज्य मंत्री जी का एक जीता जागता देखता बोलता स्वरूप देखा जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक वीडियो क्लिप की। आप खुद तय कीजिए कि राय क्या है और राय का पहाड़ क्या है। क्या ये सब तुम्हारी ऐसी की तैसी? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या समझ रखा तुमने अपने आप को? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी औकात क्या मेरे सामने मुझे फंसाने के लिए बुलाया? बंद करवा दूंगा ये सब तमाशा। आ जा, बंद नहीं। कबीर, अभी अभी न्यूज मिली है इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। तो माननीय पूर्व राज्य मंत्री जी को जल्दी थी इसलिए वो स्टूडियो छोड़कर भाग खड़े हुए। बहरहाल हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि उनकी पार्टी ने भी एक पुण्य का काम किया है। श्री पन्नालाल चतुर्वेदी जी को उनकी पार्टी ने बर्खास्त कर दिया। इसे कहते हैं हीरो की एंट्री। हाँ हाँ, तेरी फुटेज के साथ जो एंट्री ली है उन्हें थोड़ी पता है मेरी फुटेज है। मैं बता देती हूँ, बंदा सिंगल है। मैं अपना इंट्रो खुद ही दे दूंगा। ओके ओके। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। जिंदाबाद। How was it? क्या कहूँ? I think it was sensational. It was fantastic. ओए! क्या बात है, तो बड़ी खुश होगी तू? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा यार, मेरी फुटेज यूज की उन्होंने। You know, Kabir sir is my idol, right? I just love him. Baby doll, अपने बाबी क्रशेस अनाउंस करने से पहले प्लीज जरा चेक कर लिया करो कि पीसीआर में माइक ऑन है कि नहीं। माइक ऑन था। अरे चित, वैसे भी ना दिल की बातें दिल में रखना ना, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो मालविका को बुला रहा है। रिलैक्स। पता है मुझे। तो तुम सीधे अटैक करने में बिलीव करते हो? नो वार्निंग नो वार्म अप। हां एक्चुअली मैं अपना होमवर्क घर पे करके आता हूँ, इसलिए मेरी तैयारी तो हुई भी होती है। और वैसे भी जहाँ 30 सेकंड का एयरटाइम लाखों रुपए में बिकता हूँ, वहाँ टाइम वेस्ट करना तो जुर्माना। ऑफ कोर्स, 100 मार्क्स टू यू। और कल अपने मम्मी पापा को साथ लेके आना, मैं उनसे मिलना चाहूंगी। मेरे कपड़े दे रखना। ये आंखों के नीचे थोड़ा डार्क कर देना। माना भाई, कबीर शर्मा है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे सीजन्ड एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। ओह रियली? आपकी हार्ट की बात का बड़ा कर रहा हूँ मैं। रियली? थैंक यू।
सेम हियर। इसको डांस करने के लिए कुछ लगाना। तो जा मिल लेना उससे। मिलना तो पड़ेगा। I mean, कितने टाइम से बस ये एक ड्रीम जैसा रहा है कि क्या मैं कबीर शर्मा के साथ काम कर पाऊंगी या नहीं। जब करियर की शुरुआत हुई तो सबने कहा कि कबीर शर्मा एक ईगोइस्ट है, एरोगेंट है, थोड़ा बदतमीज टाइप का है, तो मिलने की हिम्मत ही नहीं हुई। जबकि इनका लिखा हुआ एक आर्टिकल मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, ताकत मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। एंड कैन यू बिलीव इट, अब मैं कबीर शर्मा के साथ काम करने जा रही हूँ। ये चतुर्वेदी से लोग अपने आप को समझते क्या? उन्हें कोई छून सकता? अरे कबीर उन्हें छोड़ो यार, जब से तुम आए हो हमारे फोन में बाहर आ गई, बस तू ही चले जा रहे। केएल का भी फोन आया, मिडिल ऑफ द कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे एक्सपोजे की चर्चा चल रही। और बताओ। मैंने कहा कुछ एक्सपोज किया? मैं तो दबा ढका शरीफ हूँ जो बस एप्पल को एप्पल कहने से नहीं शर्माता। सरे एप्पल को सरा हुआ बताने में। मॉडेस्टी द नेम इज कबीर, राइट? हाय कबीर सर, मी अनन्या, नहीं नमस्ते कबीर जी, मैं अनन्या कश्यप, मैं शारदा देवी गर्ल्स स्कूल से हूँ, आपकी बड़ी फैन। नो कम ऑन बच्चा, जस्ट बिहेव योरसेल्फ। हाय मैं सॉरी, वो आर्टिकल पापा, एक्चुअली उस रात हम वेरी बिग फैन। अनन्या तुम्हें क्या बोल रही है? सॉरी मैम। आप यहाँ पर रिपोर्टर? या शी इज अ जूनियर रिपोर्टर। खालिद बड़े हकलाते बुदबुदाते अपनी बात ठीक से ना कह पाने वाले रिपोर्टर रखे आप। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ पर आने से पहले एक बार सोचता। यहाँ की नुमाइंदगी है या नमूना? भाई हमारे लिए तो तुम इकलौते हो। कम, let me show you office. Excuse me. What was that? Your cabin. तुम्हारे टेस्ट के मुताबिक बनाया गया है। Do you like it? Well, enjoy yourself. खालिद, जाने से पहले एक रिपोर्टर और एडिटर के रिश्ते को मैं सबसे बढ़कर मानता हूं। या जो मुझे और मेरे एजेंडा को आगे बढ़ाने में मेरा साथ देगा, या जो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएगा, वो मेरा, बाकी सब पर है। Nice thought.